प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स। सर्दी सैया में कुदरत ने नुसरत का सारा गुरूर तोड़ कर रख दिया है। बेला की शादी टूट जाने और उनके शोहर की वफात हो जाने के बाद वो बिल्कुल ही हिम्मत हार गई हैं। वो जावेद और सालिहा से कहती हैं, अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, इतना बड़ा घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, अब तुम सब मेरे साथ यहीं रहोगे। उनकी ये बात सुनकर सालिहा और जावेद उनके जज्बात की कदर करते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। नुज़हत को अपनी की गई सारी ज़्यादतियाँ याद आती हैं। वो जावेद के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती हैं तो जावेद तड़प उठता है। वो उनसे कहता है कि आप मेरी माँ की तरह हैं, आप परेशान होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उधर हानिया की हालत थोड़ी बेहतर होने लग गई है। सालिहा बेगम उसके और शानी के हालात जानने के लिए उसके घर जाती हैं ताकि सूरत हाल का जायज़ा ले सकें, लेकिन शानी की झगड़ालू माँ और बहनें उनको शानी से मिलने भी नहीं देती। वो उनकी बहुत मिन्नतें करती हैं कि एक बार मुझे मिल लेने दो, पर वो उनको धक्के देकर बाहर निकाल देती हैं। शानी को जब पता चलता है कि उसकी अम्मी और बहनों ने सालिहा को अंदर नहीं घुसने दिया तो उनसे बहुत लड़ता है। अब देखना यह है कि क्या हानिया और शानी के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा या उनकी तलाक होकर ही रहेगी। क्या अपने शोहर का शौक खत्म होने के बाद नुज़हत फिर से मकारियों पर उतर आएंगी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तानी ड्रामा टुडे का अगला प्रोमो। इसलिए देखना ना भूलें पाकिस्तानी ड्रामा।